तो भैया आपका नाम? प्रियांक। प्रियांक, मिलके अच्छा लगा भैया। थैंक यू भाई। राज के ब्लॉग? हाँ, राज के ब्लॉग। राज के ब्लॉग जी। तो हैं जी, लखनऊ में भाई कुमार तनिष भाई है। ओके भाई, तो भाई का भी चैनल है, सब्सक्राइब मारो यार। और लखनऊ के जितने भी बंदे सबको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। अभी हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज अभी हम लोग नीडी। और अब व्लॉग जो है टाइम टू टाइम आने वाले, मैं भी बहुत ज़्यादा अब टाइम टू टाइम करने वाला हूँ भाई। की सेम सिचुएशन थी कि व्लॉग एक महीने बाद आ रहा है ये, तो अपनी ऑडियंस को सॉरी बोलना चाहूँगा। और आप भी जल्दी मारो, सब्सक्राइब करो भाई। सुरेंद्र यादव आए, इनका भी एक व्लॉगिंग चैनल है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इनके चैनल की। बस दिक्कत कोई नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देखिए और अच्छा लगे तो प्यार जरूर। रोनी यादव भाई हैं और ये व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी, तो राज के ब्लॉग। बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, बहुत दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सॉरी, लेकिन क्या करूँ, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया था। तो आज हम आए हैं टूरिज्म कार्निवल, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका मैं पूरा रिव्यू देने वाला हूं। और आखिरी दिन है, सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और दिखाते हैं आपको, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और वैसे आज हमारे साथ आए हैं सुरेंद्र यादव आए, इनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल है, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है इनके चैनल की। बस दिक्कत कोई नहीं है, सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके देखिए और अच्छा लगे तो प्यार ज़रूर दीजिएगा। तो सुरेंद्र यादव ब्लॉग, टूरिज्म कार्निवल, जबकि आज लास्ट दिन है, तो मुझे नहीं लगता कि मिलते हैं अभी थोड़ी देर में और बनाते हैं हमारा फुल ट्यूटोरियल। यहाँ पर लगा हुआ था कुछ साउंड सिस्टम, यह है थोड़ा बहुत कुछ खाने वाला, और इसी दौरान यहाँ पर लगा हुआ था बहुत ज्यादा, और यहाँ पर अभी रामलीला का थोड़ा सा मंचन हो रहा है पर्दे पे, जो कि देख रहे हैं। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ तो यहाँ पर अभी डीजे का काम था, ये बहुत ही दूर तक इसका रिफ्लेक्शन होता है, काफी दूर तक। तो यहाँ से अभी निकलने का कोशिश करते हैं और आपको दिखाते हैं और चलते हैं वीडियो में आगे और सब कुछ समझते हैं। जुटे हुए थे दूसरी ओर लंका दहन से सारे राक्षस भयभीत थे। टूरिज्म कार्निवल जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है, और शुरू करते हैं और लेके चलते हैं आपको यहाँ पर। ये तो केवल डेमो है और आगे का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अट्रैक्शन मिलने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देख रहे हैं आई लव लखनऊ भाई, कुमार तनिष भाई है। ओके भाई, तो भाई का भी चैनल है, सब्सक्राइब मारो यार। और लखनऊ के जितने भी बंदे सबको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। अभी हम लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज अभी हम लोग नीडी। और अब व्लॉग जो है टाइम टू टाइम आने वाले, मैं भी बहुत ज़्यादा अब टाइम टू टाइम करने वाला हूँ भाई। मैं दो तीन यूट्यूबर भाई मिले हैं जो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, ये हैं भाई तनिष, और हमारे पीछे हैं सुरेंद्र यादव। और यहाँ पर अभी दिखाने वाले हैं बहुत कुछ, बहुत अट्रैक्टिव है, मैं बता नहीं सकता आपको। और मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद और दिखाते हैं सब कुछ। और इन दोनों भाइयों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियो बनाते हैं दोनों भाई, और आपके हेल्पफुल भी होंगी और ज़रूरी रहेंगी, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं और दिखाते हैं सब कुछ। उसके आगे रेड, अगर यहाँ पर अंधेरा हो, थोड़ी लाइट बंद हो, क्या व्यू आने वाला है विश्व पर्यटन दिवस के, ये आप देख सकते हैं। खासकर अभी हम लोग पार कर चुके हैं ये लड़ियों की जो डेकोरेशन था उसको, और सामने देखेंगे अंबेडकर पार्क का कुछ व्यू मिल रहा है, लेकिन कुल मिला के जो सामने का होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना भी खूबसूरत लखनऊ हो सकता है या ज़रूर सोच सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ये आप नहीं सोच सकते। और ये देखेंगे बलून कार्निवल को लेके, वर्ल्ड टूरिज्म कार्निवल करके था,
और अभी हम लोग हैं सामाजिक परिवर्तन चौक में, यहाँ पर अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं और दिखाएंगे आपको सब कुछ यहाँ पर। अगर आप बाइक लेके आते हैं तो बाइक लेके एंट्री नहीं होगी। सो स्टार्ट करते हैं पूरा, और यहाँ से आप सब कुछ देखेंगे, यहाँ से आप सब कुछ लाइव देखेंगे, जैसा आप जो भी है जहाँ भी है। ये मेला लगा हुआ है एक तरह से, ये पूरा है सब कुछ। और उस साइड शायद लगी हैं स्टॉल कुछ, और यहाँ पर आगे भी लगी हैं कुछ स्टॉल। देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं क्या है कैसा है। सो आज लास्ट डे है इसीलिए। अभी हम लोग एंट्री पॉइंट के बाद आ जा रहे हैं, और यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं बहुत सारे, जो कि ये ये बजरंग दल का कुछ कार्यक्रम है और अच्छा है। और यहाँ पर आइए, फोटो गैलरी है और एल्बम भी बनाए जा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। बोल पर अभी हो रहा है थोड़ा सा नृत्य, और ये देख रहे हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य है, नृत्य भी बहुत ही प्यारा सा है। वैसे ये कहाँ का है पता नहीं, उत्तर प्रदेश वन निगम का, ये देख सकते हैं पूरा बहुत ही बेस्ट है, मज़ा आएगा। वीडियो में बने रहिएगा, और अगर आप यहाँ आते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। ये कुछ है वैदिक फूड, ये भी कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं जो कि पुराने ज़माने के हैं। यहाँ पर बैग, जिला उद्योग उद्यमिता, और शायद मालिनी अवस्थी जी हैं, और इनका मैं बताने वाला हूँ सब कुछ। इसका थोड़ा सा डेमो सुनाने वाले हैं, और ताकि स्पीकर के पास आके आप सुनिएगा कैसा लग रहा है। दो नैन तेरे, दो नैन मेरे, गे मिलके मिलके चार हुए। दो नैन तेरे, दो नैन मेरे, गे मिलके। तो अभी राजस्थानी घोड़ा नृत्य जो हो रहा है वो दिखाते हैं। घोड़ा देख रहे, घोड़ा बहुत ही प्यारा सा नृत्य कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और भी दिखाते हैं बहुत कुछ, वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है इसीलिए हटाते हैं कुछ। आराध्य देव राम की अयोध्या, और ये राम जी जिसको बचा के लोग जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आर्ट्स कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड स्टडी लखनऊ यूनिवर्सिटी एलयू की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार बनी है। मैं तारीफ़ करता हूँ जिन्होंने इसको बनाया है। कुछ पेंटिंग्स भी रखे हैं उत्तर प्रदेश इको फ्रेंडली करके, और थोड़ा गार्डन भी बना रखे हैं। कृतियाँ हैं जैसे ये रखी हुई हैं, ऐसे ही आपको ये चाहिए होती हैं तो इनका कुछ मेंशन होगा ज़रूर देते हैं। द्वारशाखा यमुना करके है, पर यमुना और एडॉप्ट एंड हॉरिजन, यहाँ पर इनका कुछ ढांचे हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये रहा मथुरा की है, का तो कुछ नहीं देखा ऐसा करके एक है, और लखनऊ में अयोध्या श्री राम जी दर्शन करने वाले हैं। ये है चित्रकूट, ये कुछ है अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, ये कुछ मैप है। ये मथुरा की शायद पार्किंग है या पता नहीं क्या है। ये प्रोजेक्ट नेम करके कुछ प्रोजेक्ट नेम है, हरिद्वार का है ये प्रोस्पेक्टेड, ये बनेगा पूरा टोटल जब बन के कम्प्लीट होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा स्वर्ण मंदिर। झुमका पेंटिंग करके है, हेलो वेलकम, 100 रुपये का सेट बता रहे हैं भैया जी।
यहाँ पर सब कुछ मिलेगा, कपड़े पूरा सफ़ेदी छाई है। ओए ये देखिए, अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए ये चीज़ बेस्ट हो सकती है, झुमका। आप पेंटिंग देख सकते हैं थोड़ी बहुत, और ये रहा इसने बनाई है राज ललित कला अकादमी पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी का आस्था एवं धार्मिक स्थल बनाई है। ये अयोध्या देख रहे हैं, बहुत ही प्यारी सी है, और यहाँ का भी मैं व्लॉग जल्दी ही दूंगा आपको। सी बनारस, ये भी वाराणसी, राम का प्रतीक, शायद मैं गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, सॉरी भाई। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी आपको घूमने के लिए, घूमने नहीं दर्शन करने के लिए बहुत कुछ है, और घूमने के लिए भी बहुत कुछ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। भैया लोग यहाँ पर बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम टू दुधवा नेशनल पार्क, मैंने इसका नाम सुना था अभी तक, थोड़ा सा डेमो देख लिया। तो चलिए अभी यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं बहुत सारे लोग, और बहुत ही इंजॉय फुल हो रहा है, तो देखते हैं। हेलो भैया, व्लॉग नाम क्या? हाँ रोनी यादव भाई, रोनी यादव भाई हैं, और ये व्लॉगिंग कर रहे हैं अभी, तो राज के ब्लॉग, शुभम पांडे। तो आइए अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा घुमाना भी बाकी है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अब बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में लास्ट तक। भैया 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 ब्लॉग बना रहे हैं आप? इधर आ जाइए। नाम क्या भैया आपका? ब्लॉग चैनल का? सफर खाना चाहना था भाई। सफर खाना? केवल खाना का? हा? खाने खिलाने का? खाने का, सफर का। थोड़ा बहुत घूम। तो भैया आपका नाम? प्रियांक। मिलके अच्छा लगा भैया। थैंक यू भाई। राज के ब्लॉग जी, तो लखनऊ में बनाते हैं जी, लखनऊ में ही है। आप? मेरा सफर खाना नाम है चैनल का जी। मैं लखनऊ की वीडियो डालता हूँ, जितना भी खाना पीना है, बहुत सारी चीज़ें जी, कोशिश करता हूँ कुछ यूनिक कवर करूँ। यूनिक जो चीज़ें लखनऊ के खाने की, देखिए आपको टुंडे कबाबी हुआ जी, रॉयल कैफे हुआ, बास्केट चार्ज हुई है ना जी, जी, जी। नॉन वेज में भी आपको पता है, वेज में भी पता है क्या क्या बढ़िया खाना जी। मैं कोशिश करता हूँ उनसे हट के, कुछ किसी कोई प्रयास कर रहा है, किसी लोकेलिटी में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर चल रही है हाँ, तो उसको वो चीज़ को और उभारूँ, उस चीज़ को और उभर के सामने है लोगों के सामने है। तो भैया आपकी बात को अच्छा लगा, तो आप अपने चैनल में आपका लिंक ज़रूर दे देंगे, और तो भैया को प्यार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं, आप पसीना देख सकते हैं, जैसे मास्क भी बाकायदा लगा रखा है हम लोग। तो फिर से चलिए, तो मिलते हैं भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इनका चैनल मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा, आप देखिएगा जी। धन्यवाद भैया। सो यहाँ पर बहुत सारे अपने यूट्यूबर्स भाई भी मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने भाइयों से मिल के, यूट्यूबर्स ही हैं। सो अभी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं सब कुछ।